एक दिन राजा सत्यदेव अपने महल के दरवाजे पर बैठे थे, तभी एक स्त्री उनके घर से उनके सामने से गुजरी। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हैं और इस समय कहाँ जा रही हैं? उसने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, शौक से जाइए। कुछ देर बाद एक अन्य नारी उसी रास्ते से जाती दिखाई दी। राजा ने उससे भी पूछा, देवी आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद एक पुरुष भी उनके सामने से होकर जाने लगा। राजा ने उनसे भी प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? पुरुष ने उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने तुरंत ही उसके पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगा कि कृपया आप ना जाएं। राजा सत्यदेव के बहुत प्रार्थना करने पर सत्य मान गया और ना जाने का आश्वासन दिया। कुछ देर बाद राजा सत्यदेव ने देखा कि लक्ष्मी एवं कीर्ति दोनों ही वापस लौट रही हैं। राजा सत्यदेव ने पूछा, आप कैसे लौट आईं? दोनों देवियों ने कहा, हम उस स्थान से दूर नहीं रह सकते, जहाँ पर सत्य रहता है हम वहीं रहते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए और सभी को प्रसन्न रखिए। जय जय श्री राधे।